दोस्तों आज हम आपके लिए इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी या जैसा कि B17 मल्टी गार्डन्स, इसी तरह F17 टेलीग्राम, चंद किलोमीटर के बाद एयरपोर्ट है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोवा सिटी हमसे वॉकिंग डिस्टेंस पे 500 मीटर का सफ़र भी नहीं होगा, और ICHS के अंदर जो कि सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, NOC LOP अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि बैलेटेड प्लॉट बकायदा नक्शे के ऊपर आपको प्लॉट नंबर के साथ आपको प्लॉट अलॉट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ताजिर इंटरनेशनल से मलिक फहीम आवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम आपके लिए इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि ICHS के नाम से फेमस है पूरे इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है दोस्तों, ये एक सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, जैसा कि B17 मल्टी गार्डन्स वो एक सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसी तरह F17 टेलीग्राम जो है ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पैनल के नीचे ये सोसाइटीज़ आती हैं आपकी। इसी तरह ICHS इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि रियल इस्लामाबाद के अंदर वाक़ है। दोस्तों मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप ये एक नेटवर्क देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग देख रहे हैं जहाँ से एक गाड़ी आ रही है, ये जो आप मेरी राइट एंड लेफ्ट साइड पर ये जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये जो पिलर्स खड़े हुए हैं, ये निशानदेही कर दी गई है उस रोड की जो कि अभी तक कसाना डैम रोड कहलाता है, जो कि 250 फीट का जो 250 फीट चौड़ा रोड है जी, 250 फीट चौड़ा रोड है, जो कि डायरेक्टली आपका एयरपोर्ट से, यहाँ पर आपका चंद किलोमीटर के बाद एयरपोर्ट है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट से डायरेक्टली रोड निकल कर आपका इस तरफ जो है मेन CPAC रूट के साथ कनेक्ट होने जा रहा है जी। एक बात, दूसरी बात दोस्तों, ये जो रोड अब जिस कारपेट रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये बंगू काला खान रोड कहलाती है, जो कि डायरेक्टली CPAC रूट पर आज अभी इस टाइम पे कनेक्टेड है। नोवा सिटी हमसे वॉकिंग डिस्टेंस पे 500 मीटर का सफ़र भी नहीं होगा, वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे 5 मरला का प्लॉट 28 लाख रुपए का है, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो बिल्कुल साथ कनेक्टेड टॉप सिटी मुमताज़ सिटी है, वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट आपको 70 से 80 लाख रुपये का इस टाइम पर मिल रहा है। और ICHS के अंदर जो कि सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, NOC LOP अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर आपको 5 मरले का प्लाट ऑल ड्यूज क्लियर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का मिल रहा है, जो कि बैलेटेड प्लॉट बकायदा नक्शे के ऊपर आपको प्लॉट नंबर के साथ आपको प्लॉट अलॉट किया जा रहा है, और वो भी 5 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी हो रही होगी कि एक तरफ 28 लाख, एक तरफ 70-80 लाख रुपया, और एक तरफ 5 लाख रुपया, और वो भी वो हाउसिंग सोसाइटी जिसको सरकारी लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है ओन किया जाता है। और मेन खुशखबरी की और इंपॉर्टेंट बात, आपको स्क्रीन पे एक लेटर शो हो रहा होगा RDA की तरफ से, इसका सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको स्टडी करके दिखा देता हूँ कि फाइनेंसिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंजेस एट रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर ये जो रोड बनाया जा रही है, यहाँ पर एक इंटरचेंज बनेगा जी, और जिसका 4 नंबर जो पॉइंट है, जिसमें ICHS हैज़ टू पे द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन 12 मंथ्स टू RDA इन इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों ये ICHS ने 12 महीनों में इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है इस इंटरचेंज के लिए, तो यकीनी तौर पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ICHS को होगा, जो एयरपोर्ट से और मज़ीद इन करीब हो जाएगी, CPAC से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी, और इसी तरह जो मार्गला एवेन्यू है वो भी यहाँ से कनेक्टेड होने जा रही है। मतलब आपका रावलपिंडी रिंग रोड, आपका ये कसाना डैम रोड, इसी के बाद आपका CPAC रूट, आपका रिंग रोड जो है, मार्गला एवेन्यू जो है, ये सारे रोड्स आपस में कनेक्टेड होके इकोनॉमिक कॉरिडोर CPAC के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड करने की वजह ये है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमिक आपके कॉरिडोर्स बनाए जा सकें, यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकें, और CPAC का मुकम्मल एक पूरे का पूरा एक आपका एक प्रोग्राम है, जिसको मैं डिस्कस आइंदा किसी वीडियो के अंदर करूँगा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि कोशिश किया करें कि ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आपको सिर्फ फाइल्स के नाम पर आपके साथ, कॉस्ट ऑफ लैंड के नाम पर आपके साथ जो है वो धोखा फरेब कर रही हैं, या फिर आपको 28 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 70 लाख, 15 लाख रुपया, आपको उस कागज़ का जिसको कानूनी लिहाज से कोई हैसियत, कोई भी वैल्यू जो है वो हासिल नहीं है, उसकी बजाय एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए का प्लॉट 5 मरले का मिले बकायदा प्लॉट नंबर के साथ नक्शे के ऊपर, जहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही हो और जहाँ का फेज़ 1 डिलीवर भी हो, तो यकीनी तौर पर आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और याद रखिएगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो होती है उसका मकसद बिजनेस करना नहीं होता, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो अपने मेम्बरान को ये प्लॉट अलॉट करती है,
वो पब्लिक को अलॉट नहीं करती, लेकिन फिर वो मेम्बरान जो होते हैं वो अपने प्लॉट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं जी। इसका पूरा प्रोसेस है जी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो मेम्बरान है अब काफ़ी हमें ये जो एक ब्लॉक्स लॉन्च हुए हैं इसके अंदर जो है ये जो फेज़ टू आप समझ लें या नया ब्लॉक है ठीक है ICHS का, इसके अंदर नक्शा प्रॉपर आ चुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है और यहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट 5 लाख रुपया उस सोसाइटी के साथ जो नोवा सिटी कहलाती है और वहाँ पर 28 लाख रुपया 25 लाख रुपये का 5 मरले का प्लॉट इस टाइम पे सेल आउट किया जा रहा है जी। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ICHS में बुकिंग करवाने के लिए लिमिटेड प्लॉट इन्वेंट्री अवेलेबल है क्योंकि प्लॉट नंबर के साथ बुकिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि अनगिनत फाइल्स हैं। यहाँ पर प्रॉपर सरकारी प्रॉपर रजिस्टर्ड और प्रॉपर जो है कानूनी लिहाज से आपकी बुकिंग की जा रही है। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।